आज का तुम लोगों ने वो वीडियो देख ली पहले वाली, उस पे बताओ सिर्फ 4 या 5 व्यू बता रहे जो इसके लास्ट वाली वीडियो थी। वो वीडियो तुम लोगों ने देखी कि नहीं देखी है? सबने देख ली सर। देख ली है किसी की? जिसकी बाकी है प्लीज देख लेना, ठीक है? वो अच्छा, उसका नोट तैयार हो गया होगा। यस सर। एक्चुअली वो जो लास्ट वीडियो जो मैंने भेजी है ना, वो समझ लो इस चैप्टर का सबसे टफ पार्ट था, वो जो डायलैक्ट्रिक का था, ठीक है? वही मेन कंसेप्चुअल पार्ट है। बाकी अब जो मैं करवाने जा रहा हूँ ना, ये वाला पार्ट बहुत आसान है, कहीं कोई मतलब बड़े इजी इजी क्वेश्चंस आएंगे इसके ऊपर। हमारा चैप्टर होगा कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स में हमारे पास ऐसा बोला जाएगा कि हमारे पास ना कैपेसिटर्स ऐसे हैं, ये ऐसे 3 कैपेसिटर है और इसको हमने एक ऐसे हमने 3 कैपेसिटर लिए। ज्वाइंट हमने एक 6 थे, हमने 3 को ऐसे रखे 3 को ऐसे रखे। और हमने क्या किया, हाँ उसके आगे करवाऊंगा मैं, वो तो खत्म हो गया टॉपिक। ये ऐसे 3 रखे कैपेसिटर हमने। अब हमने क्या किया, इसके फर्स्ट प्लेट को सबको ज्वाइन कर दिया ऐसे, ठीक है? उसके बाद यहाँ पे हमने दूसरा एंड लिया, इसको हमने ज्वाइन कर दिया ऐसे। ये जो कॉम्बिनेशन जो है ना, ठीक है, इस कॉम्बिनेशन को हम लोग बोलते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन। और यहाँ बैटरी लगा दी। अगर हमने सारे प्लेट के जितने भी कैपेसिटर है उसके फर्स्ट प्लेट को हमने एक पॉइंट पे ला करके ज्वाइन कर दिया और सेकंड पॉइंट को हमने दूसरे पॉइंट पे ले जा करके ज्वाइन कर दिया, तो जो कॉम्बिनेशन जो बनता है कैपेसिटर का वो कहलाता है सीरीज कॉम्बिनेशन, सॉरी पैरेलल कॉम्बिनेशन। ये कौन सा कॉम्बिनेशन है? पैरेलल। समझ में आ गया। पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए का मतलब एक पॉइंट से अगर आपको दूसरे पॉइंट जाना हो, ए से बी जाना हो, इसके 3 अलग अलग रास्ते होंगे, एक रास्ता, दो रास्ता और ये तीसरा रास्ता। 3 वेज होंगे एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट जाने के लिए। अगर हम पैरेलल की बात करेंगे, इसके हर पॉइंट पे जो पोटेंशियल होगा ये वाले प्लेट के वो वी होगा, और ये वाले अगर मैं बात करूं नेगेटिव के पास, यहाँ पे पोटेंशियल अगर 0 है तो हर एक के अक्रॉस पोटेंशियल कितना होगा, यहाँ पे पोटेंशियल कितना होगा सेकंड प्लेट पे? 0। मतलब यहाँ पे भी, ये इसके साथ है, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0। हर एक के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो गया, v माइनस 0 v v माइनस 0 v v माइनस 0। ये जो ऐसा जो सेटअप होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन, ठीक है? तो पैरेलल की मैंने क्या क्या बातें बताई अभी, फर्स्ट प्लेट ऑफ ऑल कैपेसिटर आर जॉइंड टू 1 पॉइंट एंड सेकेंड प्लेट ऑफ ऑल टू अदर पॉइंट, ठीक है? उसके बाद दूसरी पहचान किया, टू गो फ्रॉम 1 पॉइंट टू अदर अदर देयर आर मोर देन 1 वे, एक रास्ता, दूसरा रास्ता, तीसरा रास्ता।
तीसरी बात कि पीडी अक्रॉस ईच कैपेसिटर इज सेम, ठीक है। ये हमारा हो गया पैडल की पहचान, सबके फर्स्ट एक पॉइंट पे, सबके सेकंड एक पॉइंट। अब इसके मैं एक दो एग्जांपल और दे देता हूं तो फिर आगे बढ़ते। जैसे कि इसके पता है कितनी बार ऐसा होता है कि ये तो हमारे सामने बड़ा सिंपल सा फिगर है, कभी कभी फिगर सिंपल नहीं होते हैं, ठीक है। सिंपल फिगर नहीं होते, इसका मतलब क्या होता है कि ऐसे हमारे पास मान लो कि सेट है। ये वाला क्वेश्चन बहुत कॉमनली पूछा जाता है, टू गो फ्रॉम वन पॉइंट टू द अदर देर आर मोर देन वन वे, टू गो फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर देर आर मोर देन वन वे, वन वे टू वे थ्री वे, तीन वे हो गए ना, उससे ज्यादा हो गए, ठीक है। ये पॉइंट जो है ना तुमको थोड़ा सा मतलब क्या बोलेंगे, जैसे नहीं होता है प्रैक्टिकल टाइप का एग्जाम में लिखने वाला पॉइंट नहीं है, ये सिर्फ समझने के लिए, कभी कभी पहचानना आसान हो जाता है, ठीक है। मेन जो पॉइंट है ना जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है वो ये वाला है, ये कभी वन मार्क पे पूछा भी जा सकता है कि पीडी अक्रॉस कैपेसिटर इज सेम, या घुमा फिरा के पूछ ले। ये तो सिर्फ हम देखे और हमको पहचान में आ जाए, इसीलिए हम ये वाला पॉइंट समझते हैं। अब देखो यहाँ पे हमारे पास तीन कैपेसिटर है और इसको हमने ऐसे लगा दिया, अगर हम देखें ना यहाँ पे ये हमसे पूछ ले कि ये सीरीज है कि पैरेलल है, तो यहाँ पे सीरीज में कैसा होता है एक बार ब्रीफली देख लो। सीरीज में अगर एक ऐसा है, दूसरा ऐसा है, तीसरा ऐसा होता है सीरीज, फर्स्ट सेकंड प्लेट फर्स्ट के साथ, सेकंड प्लेट फर्स्ट के साथ, मतलब ये कैपेसिटर वन है, ये इसकी फर्स्ट प्लेट सेकंड प्लेट, फर्स्ट प्लेट सेकंड प्लेट, फर्स्ट प्लेट सेकंड प्लेट, ठीक है। हाँ क्लियर, तो उसको भी सॉल्व करेंगे हम लोग। यहाँ पे सेकंड और फर्स्ट है, यहाँ पे सेकंड और फर्स्ट, जब भी सेकंड के साथ फर्स्ट प्लेट आती है ना तो वो सीरीज भी होता है, ठीक है। इसमें सबकी फर्स्ट एक साथ, सबकी सेकंड एक साथ, सीरीज में क्या होता है सेकंड की फर्स्ट दूसरे कैपेसिटर का, सेकेंड का फर्स्ट, ऐसे ऐसे चलता है वो। और एक पॉइंट दूसरे पॉइंट जाना हो ना, अगर मेरे को वन से लेके टू जाना हो तो रास्ता एक ही होता है, एक ही रास्ते में दो से ज्यादा आते हैं, ठीक है। और इसकी यहाँ पे चार सेम होता है, इसकी बात कर लेंगे हम लोग। अब यहाँ पे अगर मैं मेरे से पूछा जाए कि भाई ये कॉम्बिनेशन कैसा है, तो देखो फर्स्ट प्लेट यहां से जुड़ा हुआ है, फर्स्ट प्लेट यहां से जुड़ा हुआ है, उसके बाद देखो इसकी सेकेंड प्लेट, इसकी फर्स्ट प्लेट ले लो, ये फर्स्ट प्लेट है, सेकेंड सेकेंड फर्स्ट, ठीक है, और फर्स्ट सेकेंड, इसको ऐसा लिख दिया। देखो फर्स्ट इसके साथ जुड़ी हुई है, देखो फर्स्ट वाली कैसे जा रही है, इसके साथ जुड़ी हुई है, यहां भी फर्स्ट वाली का कॉमन पॉइंट ये हो गया, और इसका फर्स्ट पॉइंट देखो कॉमन हो गया, सेकेंड वाले का देखो ये सेकेंड वाली है, सेकेंड वाली जुड़ी हुई है इसके साथ, सेकेंड वाली जुड़ी हुई है इसके साथ, और इसकी देखो ये सेकेंड वाली जुड़ी हुई है इसके साथ, इसके सब का फर्स्ट का कॉमन पॉइंट है और सेकेंड का कॉमन पॉइंट है। ये वाला जो कॉम्बिनेशन मुझे जो दिख रहा है ना, ये पैरेलल वाला है, क्योंकि तो इसमें फर्स्ट का एक कॉमन है, सेकेंड का एक कॉमन है, ठीक है। तो ये ऐसे हमको पहचानने के लिए बोला जाएगा, तो हम उसको पहचान लेंगे। अभी हम लोग और प्रैक्टिस करेंगे तो हमको और क्लैरिटी मिलेगी, लेकिन ये पॉइंट हमको अच्छे से ध्यान में रख लेना, ठीक है। और ये वाला थोड़ा नोट कर जाओ, इसके सम को फिर से करेंगे हम लोग, अभी इसको इरेज कर देता हूँ मैं, इरेज करो, ठीक है।
उसके बाद देखो आगे। अगर मान लो हमारे पास सीरीज वाला अगर सेट देखे अगर हम लोग, सीरीज की खास बात मैंने क्या बताई थी अभी, सीरीज की खास बात है सेकेंड प्लेट ऑफ फर्स्ट कैपेसिटर जॉइंट विथ फर्स्ट प्लेट ऑफ सेकेंड कैपेसिटर। ये फर्स्ट है, ये सेकेंड है, ये फर्स्ट है, ये सेकेंड है, ये फर्स्ट है, ये सेकेंड है, इसका इसके साथ ज्वाइन है, सेकेंड इसके साथ ज्वाइन है, ठीक है, एंड इट गोज ऑन। सेकेंड पॉइंट क्या था, अगर हमको ए से बी पहुंचना है तो ए टू बी का एक ही रास्ता होता है। उसके बाद थर्ड देखो, यहाँ पे ये बैटरी है, ठीक है, ये क्या करेगी यहां से इलेक्ट्रॉन को खींच लेगी, जैसे इलेक्ट्रॉन को खींचेगी यहाँ पे आ जाएगा प्लस चार्ज, ये प्लस यहाँ पे इंड्यूस करेगा माइनस चार्ज, और चार्ज जो होता है हमेशा इक्विवेलेंट अपोजिट इंड्यूस होते हैं। यहां माइनस अगर होगा, ये जो प्लेट है ना पूरी की पूरी, देखा ये वाली प्लेट, ये आइसोलेटेड है, आइसोलेटेड वर्ड का मतलब क्या होता है, बिना बैटरी से कनेक्टेड है ये, तो इसके ऊपर जो नेट चार्ज होगा वो जीरो होगा। अगर नेट चार्ज जीरो होगा तो जितना यहां पे अगर मान लो आया था, यहां पे आया था हमारे पास प्लस क्यू, यहाँ पे आएगा माइनस क्यू, यहाँ पे क्या आएगा प्लस क्यू आएगा ना, तभी ना यहाँ पे नेट चार्ज जो होगा वो इंड्यूस जीरो होगा। ठीक है, अब यहाँ पे इन द सेम वे यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ प्लस हो जाएगा। अब यहां से अगर निकल के यहां पे आ गया, अब यहां पे माइनस हो जाएगा, ठीक है, ऐसे हो जाएगा प्लस क्यू माइनस क्यू माइनस क्यू प्लस क्यू माइनस क्यू, ठीक है, ये ऐसे चलता चला जाता है। इसका पोटेंशियल क्या हो जाएगा, वी हो जाएगा। ये हमारा कॉम्बिनेशन क्या हो गया, सीरीज में हो गया। और सीरीज में क्या होता है, हर एक के पास जो चार्ज होगा ना वो सेम होता है, और बैटरी ने कितना चार्ज सप्लाई किया, क्यू, हर एक कैपेसिटर के पास चार्ज क्या होता है, तो आंसर है क्यू। यहाँ पे ये चीज क्या चीज सेम होती है, चार्ज सेम होता है, मैं यहाँ पे ले सकता हूं ऑल कैपेसिटर्स हैव चार्ज क्यू, ठीक है, एंड इट इज द चार्ज सप्लाइड बाय बैटरी। इसको नोट कर लेना, ठीक है, ये हमारे सीरीज की पहचान हो गई, और एक हमारे पैडल की पहचान हो गई। रेस कर देता हूं, इसके बाद अब हम करते हैं इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालने का फॉर्मूला देख लेते हैं कैसे डिराइव करेंगे, बहुत सिंपल है वो। टॉपिक क्या होगा, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, ठीक
इन सीरीज। पहले सीरीज देखते हैं फिर पैरेलल देख लेते हैं। तो अभी हमने जस्ट सीख लिया कि सीरीज कॉम्बिनेशन कैसा होता है, यह हमने सीख लिया कि सीरीज जो होते हैं ये ऐसे होते हैं। और चार प्लस क्यू माइनस क्यू प्लस क्यू माइनस क्यू प्लस क्यू माइनस क्यू, ठीक है। जब इसको हम ज्वाइन करेंगे ना तो हर एक पे जो चार्ज आएगा वो कैसा आ जाएगा, वो सेम आ जाएगा। अच्छा ऐसा देखो, कभी कभी कोई नेसेसरी नहीं है कि हमको ये देखने में फिगर ऐसा ही लगे। मान लो कभी ऐसा फिगर ले लें, ये भी किस में है, सीरीज में, क्योंकि देखो ये सेकंड प्लेट ज्वाइन है फर्स्ट के साथ, सेकंड प्लेट ज्वाइन है फर्स्ट के साथ, ये ऐसे चल रहा है ना, ठीक है, ये भी सीरीज ही है। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि अगर हमारे पास यहाँ पे पूरा का पूरा सीरीज में है तो हर एक के प्लेट में चार्ज कैसा होगा, सेम होगा, ठीक है, विच इज द चार्ज गिवन बाय बैटरी। तो यहाँ पे अगर चार्ज हर एक के पास सेम है तो पोटेंशियल की बात अगर हम करें तो पोटेंशियल का क्या होगा। मान लो यहाँ पे हमने पोटेंशियल लगाया सेल का वी, अगर हमने क्या किया, अगर हमने हर एक कैपेसिटर के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस नापा, जैसे कि यहाँ पे हमने वोल्टमीटर लगा दिया तो यहाँ पे हमने नापा पोटेंशियल डिफरेंस वी वन, यहाँ नापा वी टू, यहाँ नापा वी थ्री, ठीक है। तो यहाँ पर जो नेट पोटेंशियल डिफरेंस जो वी वन प्लस वी टू प्लस वी थ्री जो होगा वो वी के इक्वल आएगा। और ये लॉजिकल भी बहुत बात देखो, क्योंकि अगर मान लो तुम यहाँ से स्टार्ट करते हो जाना, यहाँ पोटेंशियल वी है, तो याद है मैंने पूरा बताया था कि अगर मान लो जैसे करेंट है, सेल आती है, ठीक है, तो फिर ऐसे जा रही है करेंट, तो यहाँ से अगर हम जा रहे तो यहाँ पे एनर्जी घटेगी, कितनी घटेगी, माइनस आई आर, यहाँ पे जाएंगे एनर्जी बढ़ेगी प्लस वी, फिर आगे जाएंगे तो एनर्जी घटेगी, कितनी घटेगी, माइनस आई आर टू, ठीक है। और यहाँ से ये ए से स्टार्ट करेंगे हम लोग अगर, तो ठीक है, तो ये वी ए और ये इक्वल टू हो जाएगा वी बी का, ये हमने तरीका सीखा था। और अगर ये लूप था, अगर ये पूरी लूप बन जाती है, तो अगर हमने मान लो अगर ऐसा कोई सिस्टम था, अगर हम यहाँ से स्टार्ट करके वापस से अगर यही पे आ जाएंगे तो यहाँ पे वी ए लिख देते थे तो कैंसिल कर जाता था, और ये था हमारा किरचॉफ का सेकेंड लॉ, ठीक है, जहां से स्टार्ट किया वहीं पे खत्म कर दिया। यहाँ पर भी सेम कहानी होगी, अगर हम यहां से अगर हम यहां से स्टार्ट कर यहां से स्टार्ट करें अगर हम लोग, तो ये यहां से स्टार्ट करें, वी पोटेंशियल है, यहां घटेगा, हाई से लोग माइनस वी वन, यहां पे जाएंगे फिर पोटेंशियल घटेगा माइनस वी टू, मतलब यहां पे अगर 10 वोल्ट है यहां पे हो जाएगा लेग से अगर 8 वोल्ट, ठीक है, यहाँ पे अगर 8 है यहाँ पे हो जाता है, हो सकता है यहाँ पे हो 4 वोल्ट, ठीक है, यहाँ पे अलग अलग कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज अलग अलग होगा, और यहाँ पे अगर हम आ जाते तो हो जाता 0 वोल्ट। तो यहाँ से इधर आया तो पोटेंशियल घटा ना, तो मैंने लिखा V घटा तो माइनस V1, कितने से घटा, V1 से, यहाँ से यहाँ क्रॉस से कितने से घटा, माइनस V2 से, यहाँ पे आया यहाँ से कितने से घटा, माइनस V3 से, यहां पे आगे तो कितना हो जाएगा ये 0। तो V क्या हो गया, V1 प्लस V2 प्लस V3। देखो सीरीज कैपेसिटेंस इन सीरीज की खास बात क्या होती है कि हर एक कैपेसिटर के पास चार्ज तो सेम होता है लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग होता है।
और उन पोटेंशियल डिफरेंस की खास बात क्या होती है कि अगर हम हर एक कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस को नापे, ठीक है, और उसको अगर एड अप कर दे तो वो सेल के पोटेंशियल डिफरेंस के या सेल के ईएमएफ के बराबर होता है। यहाँ पे मुझे दिख भी रहा, सेकंड लॉस लगा के दिखाया मैंने, समझ आगे बात। इसी को मैं थोड़ा सा वर्ड्स में लिख देता हूँ जब ये एग्जाम है। और देखो बहुत सिंपल डेरिवेशन है, एग्जाम में अगर इम्पोर्टेंट में 3 मार्क का ये क्वेश्चन अधिकतर पूछा गया है, ठीक है, बोर्ड में भी हर 3-4 साल में पूछा गया है, स्कूल एग्जाम में टर्म एग्जाम में तो बहुत कॉमनली पूछा जाता है ये क्वेश्चन, ठीक है, चाहे सीबीएसई चाहे आईसीएसई, सारे बोर्ड के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और बड़ा आसान भी है, फोकट के मार्क्स मिलेंगे। अब यहाँ पे लिखेंगे इन सीरीज कॉम्बिनेशन जैसा मैं लिख रहा हूँ ना एकदम वैसा वैसा नोटबुक में नोट कर जाना, और एग्जाम में जब ये क्वेश्चन आएगा तो उसको एग्जाम में वैसा लिखकर क्या रहा। इन सीरीज कॉम्बिनेशन ईच कैपेसिटर हैज सेम चार्ज क्यू एंड इट इज चार्ज सप्लाइड बाय सेल। उसके बाद पोटेंशियल इज डिस्ट्रीब्यूटेड अक्रॉस each capacitor, V equals to, ठीक है, V equals to V. अब हमको क्या निकालना है, to find, हमें निकालना क्या था, equivalent capacitors, let individual capacitors क्या माना हमने, C1, C2, C3, individual कैपेसिटर्स भी C1, C2, C3 एंड इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस भी CE, CS से लेते सीरीज का नाम है। अब पहली बात तो इक्विवेलेंट का मतलब क्या हुआ, इक्विवेलेंट इंडिविजुअल तो समझ में आता है भाई, एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी होता, लेकिन इक्विवेलेंट का मतलब क्या हुआ, तो इतना पहले नोट कर जाना तुम लोग को, ठीक है, तो नोट कर जाओ, इसको भी इरेज करो। सर रुको रुको, नीचे का अभी मत करना, ऊपर का होगी लिखा हुआ ना। हाँ सर। अब देखो इक्विवेलेंट का मतलब क्या हुआ, अगर यहां से निकला चार्ज क्यू, सब में चार्ज क्यू गया, मैंने तीनों को हटा दिया, ठीक है, अब मैंने यहां पे अकेला एक कैपेसिटर लगाया, और ये जो कैपेसिटर लगाया मैंने, ये इसके पास चार्ज आएगा क्यू, और इसका कैपेसिटेंस होगा C इक्वल टू क्यू इक्वल टू सी भी होता है, तो C यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्यू बाय वी हो जाएगा, ठीक है, ये एक कैपेसिटर हमने लगाया कितने का, क्यू बाय वी का, जहाँ पे वी क्या सेल का वोल्टेज, तो एक कैपेसिटर पकड़ना है जिसकी वैल्यू क्या होगी, क्यू बाय वी, मतलब ये तीनों को हटा दो, एक ही को लगाओ, और वो एक कैपेसिटर की खास बात क्या होगी कि वो चार्ज क्यू लेगा और वो अकेले वोल्टेज वी पे काम करेगा। यहाँ तीनों मिलके वोल्टेज वी पे काम कर रहे थे, एक थोड़ा वोल्टेज लिया, दूसरा थोड़ा लिया, तीसरा थोड़ा लिया, यहाँ अकेला वी ले रहा होगा, ये इसकी बराबरी कर रहा है। इस तीनों को हटा दो यहाँ से, जितनी एनर्जी तीनों में मिला करके होगी उतनी एनर्जी इसके पास अकेली होगी, ये कहते हैं दिस इज कॉल्ड इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। जैसे कि मान लो अगर इक्विवेलेंट मतलब क्या होता है, एक सिंपल से एग्जांपल ले लो,
हमारे पास मान लो कि एक काम है जो कि एक आदमी काम खत्म करता है 10 दिन में, ठीक है, तो बोला कि उसको पगार मिलेगी 1000 रुपये दिन की, ठीक है। अब क्या हुआ, बोला वो आदमी काम छोड़ के चला गया, दो लड़कों को हायर किया गया, वो दो लड़के जो है दो लड़के मिलते हैं और दोनों मिलके काम खत्म करते हैं 10 दिन में, ठीक है, तो पैसे बहुत कम मिले, तो फिर पैसे बढ़ा देते, इसको 10,000 रुपये मिले। अब दो लड़के आते हैं, ठीक है, दोनों मिलके काम खत्म करते हैं और ये खत्म करते 10 दिन में। अब एक लड़के को मिलता है 5,000 रुपये, दोनों को मिला के कितने मिल गए, 10,000 रुपये। तो टू बॉयज आर इक्विवेलेंट टू वन मैन, ठीक है, ये ऐसा बोल रहे, यहाँ पे ये एक कैपेसिटर जो है ये इसका इक्विवेलेंट है, ठीक है, आगे बात समझ में, इक्विवेलेंट का मतलब क्या होता है। अब हमको जब इक्विवेलेंट कैपेसिटर्स निकालने के लिए बोला जाए तो ये चीज याद रखनी है, चाहे रेजिस्टर का हो, चाहे कैपेसिटर का हो, चाहे इंडक्टर का हो, ठीक है, तीनों में ये सवाल आ सकते हैं इक्विवेलेंट निकालने के। इसका हमेशा इक्विवेलेंट निकालने के लिए हमेशा पहले उस चीज को लिखो जो चीज डिवाइड करती है, ठीक है, डिवाइड क्या कर रहा है, पोटेंशियल डिवाइड कर रहा है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा फॉर टू फाइंड सी एस। तो अब वी इक्वल्स टू वी वन प्लस वी टू प्लस वी थ्री, हमेशा पहले वो चीज को लिखो जो चीज डिवाइड करती है, डिवाइड पोटेंशियल कर रहा है। दिस इंप्लाइज दैट V को मैं क्या लिखूंगा, Q by C E, क्योंकि Q तो C भी होता है ना, तो C E, C E, C stand for equivalent, ठीक है, यहाँ मैंने C S लिया, तो C S रहने दे दो, equivalent capacitor से series, V1 को मैं क्या ले सकता हूँ, Q by C1, क्योंकि यहाँ पे voltage V1 है, हर एक के पास 400 सेम है, V2 क्या हो जाएगा, Q by C2, V3 क्या हो जाएगा, Q by C3, सबसे क्यों हट गया, ठीक है, और आगे हम क्या ले सकते हैं, सबसे दिस इंप्लाइज दैट वन बाय सी एस ये हमारा हो गया इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इन सीरीज। समझ में आ गई बात, ठीक है, और इसके कुछ छोटे छोटे ट्रिक याद रखने हैं। ट्रिक क्या है, मतलब कभी कभी दो दो कैपेसिटर के पूछे जाते हैं तो उसके हम लोग वैल्यू याद कर जाते हैं, ज्यादा अच्छा रहेगा। फॉर टू कैपेसिटर्स अगर होंगे तो वन बाय सी एस सी वन प्लस सी टू, सी एस क्या हो जाएगा, सी वन सी टू, ये याद रखना एक तो, ठीक है, कि अगर दो ये वाला फॉर्मूला ना अधिकतर यूज होता है, अगर दो कैपेसिटर है, बोला गया कि एक कैपेसिटर है 2 माइक्रोफेरेड का और दूसरा जो है वो है 4 माइक्रोफेरेड का, ठीक है, अब बताओ इसका इक्विवेलेंट इन सीरीज क्या होगा, मैं 1/2 + 1/4 करूँ, इससे अच्छा क्या 2 और 4 है, तो 2 × 4 = 8, 8/2 + 4 हो जाएगा 6, तो 8/6 हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है, खाली उसको मल्टीप्लाई करके और डिवाइड कर दो सम के साथ, ये वाला एक्सप्रेशन याद रखना आपने को, ठीक है, और मैं अधिकतर दो वाले तो बहुत कॉमनली आते हैं, इसलिए हमेशा एडवाइस की जाती है कि इसको याद कर जाने के लिए, बाकी डेरिवेशन तो यहीं पे आके खत्म हो गए, ठीक है, खास नहीं है, स्पेस कर देता हूं, उसके बाद देखो आगे, फॉर एन कैपेसिटर्स इन सीरीज सी एस क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/C + 1/C + 1/C, तो ये हो जाएगा 3/N, ठीक है, जैसे कि आपको बोला गया कि हमारे पास 10 कैपेसिटर है जिसका और हर एक का कैपेसिटेंस 10 है और 10 है, बताओ इक्विवेलेंट क्या होगा, तो 10/10 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, सीरीज में ऐसे 10 के ज्वाइन कर लिए, ठीक है, 10 ऐसे, तो C कितना 10, 1 का 10, सब है 10, कितने n है 10, तो ये हो जाएगा 1,
ठीक है, ये हमारा हो गया सीरीज में, ठीक है। अच्छा उसके बाद देखो आगे, ये भी याद रखना, इसको भी शॉर्टकट में ऐसे, ये हमारा हो गया। तो इसके बेसिक डेरिवेशन हो गया। अब हमको पढ़ना है नेक्स्ट हमारा टॉपिक होगा पैरेलल की। और एक चीज याद रखना है, कभी भी अगर कैपेसिटर वाले क्वेश्चन करो ना, तो सीरीज में जब भी आंसर आएगा ना, वो हमेशा कोई भी एक कैपेसिटर से छोटा ही आएगा। दैट मींस कहने का मतलब ये है कि अगर हमारे पास तीन कैपेसिटर है, एक है 1, एक है 2 और एक है 3 माइक्रोफैरेड, इसका इक्विवेलेंट निकालने बोला जाए, तो हमारा जो आंसर है वो 1 से हमेशा छोटा ही होगा। इसका आंसर ऐसे लिखूंगा मैं, अगर 1 बाय सी एस, 1/3, ये हमारा हो गया एलसीएम, हो गया 6, 2, 3 जा, ये हो जाएगा 9 प्लस 2 11/6, तो सीएस क्या हो जाएगा 6/11, दैट इज 11/55, बचा कितना 5/11 पर कितना मिल गया। देखो जो आंसर आ रहा ना 0.54, वो 1 से भी छोटा है। तो याद रखना इन सीरीज, अगर हमने हमारे पास 50 कैपेसिटर है जिसको हमने सीरीज में जोड़ दिया है, हमारा जो आंसर है वो सबसे छोटे कैपेसिटर के कैपेसिटर से भी छोटा आएगा, ठीक है। तो इस चीज को दिमाग में सेट कर लेना, ठीक है। तो शॉर्ट में ना नोट भी कर जाइएगा, जो मैंने बोला पहली चीज क्या थी, फॉर 2 कैपेसिटर्स सी एस होता था C1 प्लस C2। सेकेंड फॉर n कैपेसिटर्स ऑफ सी इन सीरीज सी एस क्या हो जाएगा C/n, ठीक है। और मैंने क्या बोला अभी, सी मैंने बोला कि थर्ड पॉइंट फॉर सीएस इज ऑलवेज स्मॉलर देन देन the individual smallest capacitor, ठीक है। इस सीएस स्मॉलर देन द इंडिविजुअल स्मॉलेस्ट कैपेसिटर के कैपेसिटर से छोटा होता है, ठीक है। अगर हमारे पास अगर मिनिमम 100 है और सबसे छोटा वाला अगर 1 है, इक्विवेलेंट जो होगा 1 से भी कम हो, ये वाली बात कभी हमारे आंसर चेक करने में हमको हेल्प करती है, ठीक है। अभी क्लास आई थिंक 1 मिनट में खत्म हो जाएगी, तो फिर से ज्वाइन कर लेना, ठीक है। मैं ब्रेक नहीं दूंगा, ठीक है, रिकॉर्डिंग में बाद में कर लूंगा एडजस्ट, जैसे खत्म होगी ना तुरंत ज्वाइन कर लेना। ठीक है, जैसे क्लास खत्म होगी तुरंत ज्वाइन कर लेना, और आईडी पासवर्ड हमेशा सेम ही रहेगा, कोई कंफ्यूजन नहीं। तो एक काम करता हूँ ना मैं, क्लास अभी खत्म करके फिर से ज्वाइन कर लो, 1 मिनट बचा हुआ है, क्लास एंड कर रहा हूँ मैं, फिर से ज्वाइन कर लो।